अरे रुकिए रुकिए, वीडियो तो मैं प्ले कर दूंगा, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए एक टास्क है। टास्क ये है कि जो भी शायरी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें भी तो पता चले कि हम जो लिखते हैं वो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। तो चलिए प्ले। क्यों रे, ये बंदरों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? बेचारा के पास कोई चारा नहीं है, हम आखिरी ऑप्शन आजमा रहे हैं। हवा चलने से पत्ता हिलता है और हम पत्ता हिला के हवा चला रहे हैं। और ऐसा पागलपंती कर क्यों रहा है? लोग सट्टा लगाते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए और हम डाल हिला रहे हैं पूरे एरिया का गर्मी भगाने के लिए। अरे ऐसी हरकत करने से हवा तो चलने से रहा लेकिन पसीना जरूर चल जाएगा, घर पे जाके पंखा चला। स्विच दबाने के बाद भी डंडा से घुमाना पड़ता है क्योंकि खराब कैपेसिटर है, और पंखा चलने के बाद भी ऐसा हवा देता है जैसे कोई चल रहा पंखा नहीं हीटर है। तो आपका घर में एसी लगवाएगा? रात को कुत्ते की तरह काटता है मच्छर, भिनभिनाता उसका बच्चा है, और गर्मी में भी ठंड का मजा लेंगे। आइडिया तुम्हारा अच्छा है। तो तू इसमें एसी लगवाएगा? हम पहले ही शो देखने पहुंच जाते हैं वहां जहां पे मैटर होता है, और तुमको नहीं पता कि घास फूस की दीवारें सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है? ऐसी बात है, तो एसी कंपनी में फोन लगा के बात कर ले। एसी कंपनी में फोन लगाओ। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, देसी एसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आंधी उखाड़ने के लिए हम झाड़ हिला रहे थे, थक हार कर आ गए छोड़ के, और अब तो रोने पर भी आंसू को लोग पसीना समझ लेते हैं, गर्मी लग रही है जोर के। ओके सर, मैं समझ गई, आप एसी लगवाना चाहते हैं? आपकी आवाज़ प्यारी है तो हमारी भी बातें मज़ेदार हैं, और आप तो एक बार में ही समझ जाती है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार हैं। थैंक यू सर। ये मेरे दोस्त के कुंवारे मरने के दिन आ गए हैं, फिर भी देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और आपको कोई इंटेलिजेंट समझदार बोले तो समझ जाइएगा कि आपसे मजाक कर रहा है। ए, मुद्दे की बात करना, फालतू में बेइज्जती क्यों कर रहा है? सर आपने कॉल किस लिए की है? लोग शौचालय में भी मोबाइल लेकर जाने लगे हैं, हाईटेक हुआ जमाना है, दिमाग गुस्से से गर्म है या गर्मी से समझ नहीं आता, अब तो एसी लगाना है। हाँ तो सर कितने टन का एसी चाहिए? ये मेरा दोस्त महीनों नहीं नहाता है, इसको बोका के कंपटीशन में लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और क्या टन के हिसाब से एसी लेकर पूरे गाँव में स्नोफॉल कराएंगे? ए, उधर एसी की बात करना, बार बार मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? तो सर आप ही बता दीजिए आपको कैसा एसी चाहिए? एक तो दिमाग 1.5 ग्राम का, देखते देखते इंस्टाग्राम रहा नहीं काम का, कोई छोटा मोटा एसी बताइए 250-300 ग्राम का। तो सर एसी नहीं बर्फ का गोला लीजिए, आपके लिए वही सही होगा। गर्मी जान मार रही है, हम मच्छर मार रहे हैं, गरीबों को महंगाई का जमाना मार रही है, और हम आपको अपनी परेशानी बता रहे हैं और आप ताना मार रही है। सर आप ही मजाक कर रहे हैं तो हम भी क्या कर सकते, एसी टन के हिसाब से आता है, और जितना ज्यादा आपका स्पेस होगा उतने ज्यादा टन का एसी आपको लगेगा, और टन का मतलब एसी का वजन नहीं बल्कि एसी कितने जगह को कवर करेगा उसका नंबर होता है। अरे तो ऐसे समझाइए ना, यहाँ पर कंफ्यूजन का झोल है, हम तो अलग ही समझ गए थे, और ये जो हमारे बगल में बैठा है वो पूरा बकलोल है। ए, तू बार बार मुझे क्यों घुसर रहा है, एसी के बारे में बात करना वरना फोन कट कर। सर आप जहाँ एसी लगाना चाहते हैं वहाँ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता सकते हैं? ना जाती धूप हवा पिछले महीने छवाई है, 10 फीट चौड़ाई ऊंचाई और 15 फीट लंबाई है। ओके सर, तो आपको इसमें एसी लगवाने का खर्चा 50,000 आएगा। अरे भगवान से डरो, क्या ऊपर वाले का दिल में डर नहीं है? क्या इंसान को बर्बाद कराने वाली रेट बता रही हो, उतने का तो मेरा घर नहीं है। सर आपका ऐसा कौन सा घर है जो 50,000 से भी कम का है?
ऐसे ही मेरा ये दोस्त समझ नहीं पाता, इलाज कराना है इसके खोपड़ी का, और मैडम जी हमारा तो आराम कुटिया है, घर है झोपड़ी का। तो सर उस वक्त से आप झोपड़ी में एसी लगवाने की बात कर रहे थे? पैसा होते ही व्यवहार बदल ले ऐसे हम नहीं, और हमारा ये झोपड़ी अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस से कम नहीं। सर औकात के हिसाब से शौक रखिए, आपके झोपड़ी में एसी नहीं लगाया जा सकता। अरे हम भी पैसे वाले होते तो आपकी बोल ऐसे नहीं बदलती। गरीबों का उपहास करने वाला आज तक चैन से नहीं जिया है, पर हमारे नजरों में सब बराबर है। ये मेरे सुअर की शकल के दोस्त मेरे साथ बचपन से है, और आज तक हमने कभी भेदभाव नहीं किया है। क्या मारा है जोर का, ऐसा लग रहा है कि हड्डी अपने जगह से खिसक गया है, और ये एसी वाली मैडम ने खुद कॉल काट दी है या गिरने से कट गया है। हम तो सबका सोचते हैं, जीते हैं जमाने के लिए, आज आंधी उखाड़ के रहेंगे, जा रहे हैं डाल हिलाने के लिए।